हेलो गाइस, सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल द देसी वन। और आज हम आए हैं कहाँ पे? किड्ज़ेनिया। सो आज हम आए हैं किड्ज़ेनिया। रुद्र का बर्थडे था 24th को, लेकिन और अब मैं 6 का हो गया। यस, विश हिम हैप्पी बर्थडे। और हम ना तब गए थे, कैसे जा रहे हैं, तब हम कहीं बाहर नहीं जा पाए थे बिकॉज रुद्र वॉज, युवराज वॉज नॉट वेल। सो आज हम आए हैं यहाँ पे किड्ज़ेनिया में, और मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे फन करते हैं ना। तो हमारे साथ पौशु भी है, हम पूरी फैमिली आई है एंड विल फन टुडे। मम्मी की मम्मी आई है और मेरी मम्मी भूरी। यस, और पापा युवराज भी। सो ऐसे ही गप्पे मारते मारते ना हम आ गए थे यहाँ पे। यहाँ पे ये सबसे स्टार्टिंग में ये गेम सेक्शन था, लेकिन हमने कुछ भी नहीं खेला क्योंकि हमें पता था हम बहुत सारी गेम खेलने वाले। यहाँ पे टाइमिंग, इसकी जो भी टिकट्स की प्राइजेस थी, सब कुछ मेंशन था। आप बाहर से भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो आपको कितना टाइम क्या करना है। उसके बाद जब एंटर होते हैं ना, लिटरली एयरपोर्ट वाइब आती है, आपको लगता है हाँ यहाँ पे लिखा भी है तुर्किश एयरलाइन, बट अंदर जाते ही आपको लगता है आप एयरपोर्ट में आ गए। और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको बोर्डिंग पास दिए जाते हैं, आपको समझाया जाता है। ये मेनू में आपको पूरा समझाया जाएगा कि आपके एज ग्रुप के हिसाब से कौन सी गेम आप इन्जॉय करने वाले हो। 5000 का यहाँ पे चेक दिया गया था, बच्चे ना खो जाए ना, इसके लिए ये हैंड गैजेट दिया गया था ताकि आप उनकी लास्ट जो लोकेशन होते हैं ना उसको ट्रैक करके अगर वो खो जाते हैं या इवन अडल्ट भी खो जाते हैं तो आप उन्हें पता लगा सकते हैं। उसके बाद बोर्डिंग पास हमने जमा करवाए, अंकल काफ़ी क्यूट थे, बहुत सारी बातें बताई। जैसे ही आप अंदर जाते हो ना भाई साहब, क्या वाइब्स है, आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप बच्चों की दुनिया में खो गए हो। सबसे पहले हमें ना ये बैंक में जाना था, और बैंक में जाने के बाद हमें वो चेक देना था ताकि वो हमें कैश दे दे, असली वाला नहीं, यहाँ का किट, यहाँ का जो नकली किड्ज़ेनिया का कैश होता है वही वाला। लेकिन बच्चों के लिए तो यही असली कैश था, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। जब हम बाहर गए, एम्बियंस वॉज 10 out of 10। आई मीन ऐसा लग रहा था ना कि यहाँ पे क्या ही क्या एक्टिविटी और होने वाली है, और 60+ एक्टिविटीज़ हैं एक दिन में। इम्पॉसिबल है, अगर आप फुल डे लेते हो ना तब भी ये इम्पॉसिबल है कि आप सारी एक्टिविटीज़ करो। बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ थी जो 6+ में नहीं थी, और थी भी, क्योंकि रुद्र 6+ नहीं है तो हमें ना थोड़ी बहुत नहीं करने मिली, थोड़ी बहुत करने मिली। यहाँ पे रुद्र नहीं कर सकता था तो वो नहीं गया। सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रला था, न्यूट्रला बनाना कैसे है, उसका पैकेजिंग कैसे होता है, उसके लिए तो रुद्र को पहले वो देख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। वो सबसे पहले यहाँ पे गया जहाँ पे उसको थोड़ी सी वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी क्योंकि मोस्ट ऑफली गर्ल्स थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद सेकंड एक्टिविटी जो थी वो थी ये डांस एकेडमी। यहाँ पे बेसिकली होता है आपको हर एक्टिविटी करने के बाद ना आपको पैसे मिलते हैं। वो ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पे कोरियर सर्विस में आ गए थे, जो कि रुद्र का फेवरेट था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर जगह इनके हैंड सैनिटाइज हो रहा था, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। उसके बाद इनको ड्रेस प्रोवाइड करी जा रही थी, लिटरली ऐसा लग रहा था कि हम असली की सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि हम लोग करते हैं ना डेली लाइफ में, बिल्कुल वैसा ही। ये बिल्कुल बेसिकली लर्न एंड प्ले था। यहाँ पे मैं और रुद्र निकल गए हैं कुरियर पहुँचाने के लिए। हर जगह ना यहाँ पे काई आपको बोलना है, आई डोंट नो क्या है वो। उसके बाद उन्हें पैसे मिले थे। एक्टिविटी ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पे गए थे फायर समथिंग में, जो होता है ना फायर डिपार्टमेंट, वहाँ पे। तो फायर डिपार्टमेंट में बेसिकली उनको ड्रेस पहनाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको आग बुझाने जाना है, वो सब कुछ समझाया जाता है। यहाँ पे उनका एक ट्रक भी है जिसमें बिठा के, फायर ट्रक में बिठा के उन्हें ले जाया जाता है, पूरा घुमाया जाता है। एंड देन एक प्लेस है वहाँ पे जहाँ पे नकली से ऐसे बनाया गया है कि आपको आग बुझानी है होटल में। और लिटरली बच्चे इतने एक्साइटेड थे। और उसके बाद ना यहाँ पे 2+ का है कार रेसिंग, लेकिन उसके पहले ना आपको पहले इस पे लाइसेंस लेना होता है, जो कि मेजरली छोटे बच्चे 6 से जो छोटे होते हैं ना वो नहीं ले पाते, ये मैंने नोटिस किया था। उसके बाद हम ये गए थे काउ फार्म में, जो कि था नेस्ले का। यहाँ पे स्टैरलिक बनाना सिखा रहे थे। बेसिकली मैं रुद्र को ऐसी ही प्लेस पे ले गई थी जहाँ पे वो ये सब कर पाए, क्योंकि गेम्स और खेलना तो हम नॉर्मली भी करते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना वो हम कर नहीं पाते। यहाँ पे गाय का एक्चुअली में दूध भी निकालना था जो कि नकली थी, और रुद्र बस ये सोच रहा था कि असली में दूध क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे इन सब के साथ युवराज ने भी बहुत एंजॉय किया, वो टोडलर था लेकिन स्टिल स्टाफ ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और उसको हर जगह जाने भी दिया। उसके बाद पार्ले में मैं गई थी, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसको पैकेजिंग करनी सिखाई, कैसे वो बनता है। आई नो कि पूरा नहीं होता, लेकिन एक बच्चे को जितना नॉलेज होना चाहिए ना उससे भी ज़्यादा ये लोग सिखा रहे थे। और जब अपने हाथों से सब कुछ किया हुआ जो बिस्किट वो लेकर आया था ना, उसकी खुशी ही अलग थी, जो पैसे कमा रहा था ना, आई फील सो प्राउड।
उसके बाद वो फ्रूटी की फैक्ट्री में गया था। रुद्र की पर्सनल चॉइस थी कि वो सीखना ज़्यादा चाहता था एंड लिटरली उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों में। सबसे फेवरेट था उसका ये किंडर जॉय का, जहाँ पे पार्श्वी अलग गई थी और रुद्र अलग गया था। पहले उसका टर्न था, देन रुद्र का था। यहाँ पे पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद जितने भी पैसे आए थे ना, वो सारे मेरे बेटे ने मेरे हाथ में दे दिए थे। अच्छा बच्चा है ना? यस। यहाँ पे सारी एक्टिविटी करने के बाद रुद्र को सिर्फ एक खुशी थी कि उसको किंडर जॉय मिल गया, वो भी खुद का बनाया हुआ। एंड ही वॉज सो हैप्पी एंड इवन आई एम सो हैप्पी। ये खुशी तो आप देख ही सकते हो। बहुत थकने के बाद 4 घंटे के बाद हम गए थे कुछ खाना खाने के लिए। यहाँ पे एक फूड एरिया भी है जो अंदर ही है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। सीरियसली मैं आपको बताती हूँ, बच्चों ने सिर्फ मैगी खाई, हमने ये रोल्स खाए और क्या ही खा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस थे लेकिन इतने अच्छे नहीं थे। उसके बाद ये एम्बुलेंस था, हॉस्पिटल्स था, डेटॉल हॉस्पिटल था, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, लेकिन रुद्र ने वही करी जो उसे पसंद आती थी। दोबारा से ये लाइसेंस अप्लाई करने आ गया था, जो कि उसके मिल गया। उसके बाद यहाँ पे जेड मार्ट था, जैसे हमारा मार्ट होता है सेल वैसा का वैसा ही, लेकिन इनमें इनका टास्क ये था कि उन्हें कुछ चीज़ें दी जाती है, एक ट्रॉली होती है छोटी सी, और वो चीज़ों को ना उसको जगह पे रखनी होती है, जो भी चीज़ें होती है ना उन सबको। सीरियसली वो इतना खुश हो गया था ये सब चीज़ें करके, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें ना प्ले के साथ लर्न बहुत सारी चीज़ें थी। आपका बच्चा मेंटली बहुत सीख रहा होता है यहाँ पे खेलने के साथ। बड़े तो थक ही गए थे, लेकिन छोटे ना रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये जो वेजिटेबल्स था ना, वो तो युवराज ने सारी की सारी फेंक दी थी। उसके बाद रुद्र ने अच्छे से ट्रॉली वहाँ पे लगाई, और उसके बाद दोनों भाई बहन ने जाके अपने पैसे कलेक्ट किए। पैसे कलेक्ट करते ही ना ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। युवराज यहाँ पे लड़ाई कर रहा था कि आपने इन्हें कर दिया, आपने मुझे क्यों नहीं करने दिया। ये था थिएटर जहाँ पे एक शो होता है, आई गेस 1 या 2 घंटे में। हम यहाँ पे नहीं गए थे क्योंकि यहाँ पे कार्टून दिखाया जा रहा था हनी वनी का, जो कि मुझे वर्थ नहीं लगा। देन ये डोनट्स का एक्टिविटी था जिसमें बहुत ज़्यादा क्यू थी, हम वहाँ पे नहीं गए थे। ये आर्ट गैलरी मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज़ यहाँ पे क्या था, आपके बच्चों की जो अंदरूनी ख्वाहिशें होती है ना, घर में जो दीवारें पेंट करते हैं, वो यहाँ पे उन्हें करने को मिल रही थी। यहाँ पे दोनों भाई बहन ने इतनी मज़े किए हैं ना, सीरियसली। और हम लोग बाहर कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिसी है कि बच्चों के साथ आप अंदर नहीं जा सकते। आप उन्हें सही थ्रू ग्लासेस के बाहर से आप पूरा उन्हें देखोगे कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन अंदर आप नहीं जा सकते। यहाँ पे पुलिस स्टेशन था जहाँ पे ये लोग गए थे। रुद्र यहाँ पे कैदी बन गया था और यहाँ पे एंजॉय कर रहा था। इतना मज़ा ना किसी कैदी को मैंने करते हुए पहली बार ही देखा था। वो तो कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ युवराज ने जो इस जेल में हल्ला बोल किया है लिटरली। बट स्टाफ वॉज सो फ्रेंडली, सो नाइस, कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप इन्हें बच्चे के ऐसे नहीं कर सकते। उसके बाद ना जैसे जुलूस सा निकलता है ना वैसे, क्योंकि ये किड्ज़ेनिया था, एक किड्स का वंडरलैंड था, तो इतना ज़्यादा हर जगह ही बच्चे हल्ला बोल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देन हमारी पाशु को उस सैलून में जाना था, हर लड़की का ख्वाहिश होता है, वो भी सैलून में जाके उसने नेल पेंट करवाए थे। उसके बाद ये सबसे अच्छी चीज़ थी तुर्किश एयरलाइन, जहाँ पे हमें अंदर नहीं जाने देते और कैमरा से आप सब कुछ देखोगे कि आपके बच्चे क्या कर रहे थे। यहाँ पे बेसिकली पायलट बनते हैं और जो फ्लाइट में होता है ना, प्लेन कैसे चलाते, ये सब दिखाया जाता है। यही था आज का हमारा किड्ज़ेनिया का सब कुछ। और यहाँ पे रेसिंग कार का ट्रैक भी था उसी जगह पे, तो हम उसे भी देखने गए थे। हम बस देखने के लिए गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजॉय हमने कर ही लिया है। सो गाइस, ये था हमारा आज का किड्ज़ेनिया का ट्रिप, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रुद्र ने और पाशु ने तो बहुत एंजॉय किया, इवन मेरी मम्मी ने और भाभी ने भी बहुत एंजॉय किया। वी ऑल लव दिस ट्रिप एंड वी एंजॉय अ लॉट। मजा आया रुद्र? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें।